क्या सचमुच रिया चक्रवर्ती की तरह शहनाज कौरगिल भी है बेवफा? जी हाँ दोस्तों, बेवफाई के लिस्ट में अब शहनाज कौरगिल का भी नाम नंबर 2 पर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत से छुटकारा पाना चाहती थी, उसी तरीके से शहनाज कौरगिल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता सिद्धांत शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने का। दरअसल आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल इस वक्त जो है हॉलीडे एंजॉय कर रही है और वो लगातार अपनी फोटोज स्टोरी पर शेयर कर रही हैं और फैंस के साथ अपने प्यार जाहिर कर रही हैं। पर वहीं हेटर्स ने इस बात की जानकारी दी है कि शहनाज कौरगिल जो है सिद्धार्थ शुक्ला के लाइम टाइम को अपना बनाकर इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला को भूल चुकी हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सचमुच शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला को भूल चुकी हैं? कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर जरूर कर दें। फिलहाल आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल अपनी हॉलीडे एंजॉय कर रही हैं, तो वहीं हेटर्स उन्हें खुश देखकर शायद खुश नहीं है। तभी तो उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर पर भी दे दी है और साथ ही शहनाज कौरगिल को ट्विटर पर ट्रोल भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला की माँ यानी कि गीता माँ को शहनाज कौरगिल की जरूरत है और वो इस वक्त अपने काम लाइम टाइम और साथ ही अपने आप को खुश रखने में ज्यादा समय दे रही हैं। और आपको बता दें कि बेहाल फिलहाल में ये भी जानकारी निकल कर सामने आई थी कि राघव के साथ शहनाज कौरगिल रिलेशनशिप में हैं। दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर फैंस जो हैं वो शहनाज कौरगिल पर ट्रस्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। अगर आप भी हैं शहनाज और सिद्धार्थ के फैन, तो क्या आपको लगता है कि सचमुच शहनाज कौरगिल जो है सिद्धार्थ शुक्ला के लाइम टाइम पर ऐश कर रही हैं? कॉमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर ज़रूर कर दें। इस वीडियो को लाइक करें और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हर खबर को लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।